हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ट्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि कितने ट्रेज होते हैं और डिलीवरी पॉइंट पे अगर हम हैं तो हमें कितने ट्रेज को के सेटअप को तैयार करके रखना पड़ता है। और इस ट्रेज में जो होता है, जो भी सामान है, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो सब स्टरलाइज रखे जाते हैं। इस ट्रे का एक पर्पज ये भी होता है कि हम पेशेंट को अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है डिलीवरी पॉइंट पे, तो उससे इसमें से लेकर के उससे जल्दी से अप्लाई करें और उसके समय को बचा सकें। ये देखो, अगर आप चाहें कि इस डिलीवरी ट्रे का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से लेकर के रख सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि कितने ट्रे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंदर क्या क्या सामग्री रखी जाती है और क्यों रखी जाती है, इस पर चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, जो होता है कि डिलीवरी पॉइंट पे अगर हम हैं तो वहाँ पे डिलीवरी रूम में हमें 7 ट्रेज प्रिपेयर करके रखने होते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रे जो होता है वो डिलीवरी ट्रे होता है, दूसरा ट्रे एपिजियाटमी ट्रे होता है, तीसरा ट्रे जो होता है वो बेबी ट्रे होता है, चौथा ट्रे जो होता है वो मेडिसिन का ट्रे होता है, पाँचवा ट्रे हम इमरजेंसी ड्रग ट्रे तैयार रखते हैं, और छठा ट्रे जो होता है EVA ट्रे होता है, और सातवां ट्रे जो होता है वो PPICT का ट्रे होता है। हम लेबर पॉइंट पे अगर नियुक्त हैं तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ट्रेज के बारे में कि कितने ट्रेज होते हैं और इसके अंदर क्या क्या सामग्री रखते हैं। तो हर एक ट्रे में कौन कौन से सामान रहते हैं और उनके पर्पस क्या होते हैं रखने के लिए और वो किस तरह से रखे जाते हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे।